नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे IRFC की। IRFC में आपको दिखाई दे रही है यहां पे गिरावट, तो इस गिरावट के पीछे रीजन क्या है और ये गिरावट कहां तक जाने वाली है, क्या आपको यहां से डरने की जरूरत है या फिर नहीं, डिविडेंड नहीं मिलेगा क्या, ऐसी खबर आ रही है। और दोस्तों दूसरी खबर ये कि Q4 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है इनका, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन भी दबाइएगा। एंजल ब्रोकिंग में अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट अपना ओपन नहीं किया है तो फ्री में सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा, और साथ ही साथ आपको मिलेगा 151 रुपीज का गिफ्ट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, जिसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप वापस से किसी भी अच्छे स्टॉक में। दोस्तों देखिए, IRFC की बात करें तो IRFC में कल जहां आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली, वहीं आज शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली। और इसके लिए अगर आपने हमारी वीडियो कल देखी होगी तो आपको वहीं पर मैंने एक चीज क्लियर की थी कि स्टॉक में आपको कल के दिन गिरावट दिखाई देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल करके निकल जाए यहां से। तो सेल करने की कहीं से कहीं भी जरूरत नहीं है आपको स्टॉक की, क्योंकि अगर आप एक चीज देखेंगे तो पिछले एक मंथ के चार्ट में आपको यहां पे समझ में आएगा कि स्टॉक कभी भी आपको ऐसे लगातार ऊपर की तरफ जाते हुए नहीं दिखाए। अगर आप यहां से देखें तो चार्ट तो कुछ यूं गया है लेकिन डायरेक्ट नहीं गया है, आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिए, और कभी कभी दो दो तीन तीन दिन चलती है और उसके बाद वापस से स्टॉक में कमबैक आता है। बीच में कोई ना कोई ऐसी न्यूज भी आती है जिसके कारण से कमबैक देखने को मिलता है बहुत ही असानदार। तो इस समय आपको एक जो न्यूज आई थी वो तो शायद से आपने देखी ली होगी, जो फंड रेज करने की, 2000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने की खबर। तो ये तो आपको पता ही होगा, यही इनका मेन बिजनेस मॉडल है। तो अभी अगर हम देखें तो शेयर ने आपके लिए मैक्सिमम चार्ट में अब शेयर आपको पॉजिटिव में दिखाई देने लगा है। अभी तक IRFC कभी भी ऑल टाइम आपको ग्रीन नहीं दिखता था, बट अभी भी IPO प्राइस से यहां पे लॉस है, थोड़ा सा लॉस अब देखने को और मिल रहा है। लेकिन अगर आपने एवरेज कर लिया है तब आपका ये लॉस बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब चलते हैं मेन रीजन की तरफ। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं IRFC ऑफिशियल हम NSE की साइट पे हैं, और आज के दिन जो शेयर ओपन हुआ है 25 रुपये 30 पैसा और क्लोज हुआ था 25.20 पे, मतलब गैप अप ओपन हुआ लेकिन उसके बाद 25 रुपये का लो भी बनाया है। और इस समय अगर देखें तो अभी तक आपके लिए वॉल्यूम दिख रहा है लगभग 47% डिलीवरी उठाई जा रही है, 1 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है 11 बजे तक का डाटा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर मार्केट में 1 करोड़ का वॉल्यूम यहां पर आ चुका है। और वहीं अगर बात करें तो ये अपने अब 52 वीक के लो, 52 वीक तो अभी से आए हुए भी नहीं हुए हैं, तो समझ लीजिए कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको यहां पर शेयर अप्रॉक्स 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। वहीं कंपनी में अगर बात करें तो मेन बात की आप सोचेंगे अभी तक इनका फाइनेंशियल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो एक चीज आपको यहां पे समझनी चाहिए कि पिछली बार जब इन्होंने अपना रिजल्ट अनाउंस किया था Q3 का, तो वो रिजल्ट भी काफी लेट आया था। देखिए ये जो कंपनी है किस बिजनेस की कंपनी है और किस सेक्टर की कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इन सभी में आपको थोड़ा सा लेट लतीफ तो देखने को मिल ही जाता है, और इसी कारण से ये अभी जो Q4 का रिजल्ट है आपको जल्दी दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये रिजल्ट आपके लिए लास्ट जून के वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा 100%। 28 जून आप अभी मान के चलिए कि रिजल्ट आपको आते हुए दिखेगा, इस डेट को याद रखिएगा 28 जून। वहीं दोस्तों डिविडेंड की बात करें तो क्या इस बार आपको डिविडेंड मिलेगा Q4 में, तो देखिए यहाँ पर हम क्लियर कट तो नहीं कह सकते कि Q4 में आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम इतना कह सकते हैं 99% आपको डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। और डिविडेंड कितना होगा, 1 रुपी तक का ही डिविडेंड आपको देखने को मिलने वाला है, इससे ऊपर की ना तो आपको ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए और ना ही आपको मिलना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर एक चीज़ आपको और समझनी चाहिए
कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये जो गिरावट हो रही है यहाँ पे, जो ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि आप स्टॉक देखेंगे तो लगातार आपको तेज़ी के साथ चलता हुआ नहीं मिलने वाला है, बीच बीच में प्रॉफिट बुक होना यहाँ पर कंपलसरी है। तो अगर ये स्टॉक आपको यहाँ से और 20-30 पैसे डाउन होता दिख जाए एक आध दिनों में भी, तो अभी आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक को अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो सिर्फ होल्ड नाम की ही चीज़ है माइंड में, और दूसरी चीज़ है वो है बाय करने की। और तीसरी बात दोस्तों कि इस स्टॉक को आपको सभी को मैंने एक बार भी ये सलाह नहीं दी है कि आप इसे सेल कीजिए, और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको यहाँ से मल्टीवेगर रिटर्न निकाल के देगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको सेल करने से रोकेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छे से अच्छा स्टॉक भी आपको गिरावट भी दिखाता है, और बहुत बहुत टाइम तक आपके लिए कोई अच्छे रिटर्न निकाल के नहीं देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक खराब हो गया और हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते या फिर उसको होल्ड नहीं कर सकते। आपको होल्ड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की ज़रूरत होती है, वो इसके नाम में ही काफ़ी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि इंडियन रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है, और यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ जो है जागती है वो है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के बेसिस पे और इसका जो बिजनेस मॉडल है उसके बेस पे आप कह सकते हैं, जैसे अभी इन्होंने 2,000 करोड़ रुपये का फंड रेज किया है, तो ये इस फंड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इंडियन रेलवे के जो विकास कार्य हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। आप अगर इसका पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको कंपनी के बारे में, जो इनका बिजनेस मॉडल है उसके बारे में सब कुछ क्लियर कट समझ में आ जाएगा। और इसकी बात करें तो वैसे अगर देखा जाए तो ये सीधा सीधा मोनोपोली का बिजनेस है, इनके बिजनेस का कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवे जो टोटल फंडिंग लेगा वो IRFC से ही लेगा, और IRFC को अदर बैंक्स या फिर अदर पर्सन किसी के मुकाबले भी बहुत ही सस्ते में पैसा मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम ब्याज पे। तो यही इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा रेलवे को देते हैं, और कभी भी इनका कोई भी ऐसा आपको NPA नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे कोई भी ऐसी बेमानी वाली बातें नहीं करता है, ना ही विजय माल्या है, ना ही नीरव मोदी है। तो यहाँ पे आपको यही सबसे सिक्योरिटी है कि अगर आप इस स्टॉक को 10 साल तक होल्ड करते हैं तो आपका ये जो 25 रुपये का शेयर है, अभी तक तो ये 20 रुपये पे भी पहुंच गया था, अब ये 25 का हो गया है, तो 25 का शेयर 10 साल में आपका 2000 का भी हो जाएगा, और देखते ही देखते आपका मन वहाँ पे इसके लिए बदल जाएगा कि काश मैंने इसको होल्ड करके रखा होता और आज मैं इसमें बहुत बड़े प्रॉफिट में होता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।